शाम क्यों सुनगे आप लोगों को मेरा वहां जाने का सुनके? आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। सज्जाद ने जो किया करना चाहिए था उसे ही। मर मरा जाती तो से कम तमाशा बनता। खैर जो होना सा सो हुआ, अब बात को खत्म करने की सोचो। रऊफ से मैंने कह दिया है वो बात करेगा आके। सहन बन ही जाएगा। तो आप उनके सामने झुक ही गए। इसमें झुकना कैसा? मैं आज ऑफिस गया था, मुझे मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि मुझ पर पुलिस केस है और वो किसी इखलाकी जुर्म में मुलव्वस आदमी को अपने दफ्तर में नहीं रख सकते। गर्क हो जाए इस तबस्सुम का। उस औरत ने मेरा करियर, मेरा घर, मेरी दोस्तियां सब बर्बाद कर दी है। मैं उस औरत को बर्बाद कर दूंगा। चलो मियां, तुम्हारा गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन कभी होश की बात भी किया करो। नौकरी जाने में कसूर किसका है? तबस्सुम, तो तुम बात नहीं मानोगे। सुबह का गया, अभी आया था वो घर और आपने गुस्सा दिला दिया। मरियम भी, आप तो अपना घर बार भूल के अपने कवारेपन में लौट चुकी है। कि मुझे याद है हमारा एक घर है और हमें वहां लौट कर जाना है, और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब सज्जाद के घर में सुकून हो। क्या कह के गए हैं नंदोई जी? यही कि मैं केस वापस ले लूं। हाँ तो ले लो वापस, तुम्हें केस जीत के कौन से लड्डू पेड़े मिल जाने। सुन लो, और हाँ, तुमने बच्चों को क्यों दरबे में बंद करके रखा है? उन्हें बाहर निकालो, उन्हें कहो कि बाहर आके खेल लें। सुन लो। हेलो जी, कौन? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, लाइट हाउस स्कूल की प्रिंसिपल। जी फरमाइए। मैं आपकी भतीजियों की प्रिंसिपल हूँ और उन्हीं से आपका नंबर लिया है। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपका केस मेरी नजर से गुजरा है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जरूर, आप तशरीफ ले आइए। शुक्रिया। एड्रेस तो वही है ना जो आपकी भतीजियों के घर का है? जी वही एड्रेस है। असल में मुझे कुछ पर्सनल मालूमात शेयर करनी है और आपसे कुछ मदद भी दरकार है। मेरी हेल्प आपको? जी आपसे, मैं आपको सब कुछ तफसील से बता दूंगी। ये बताइए कि क्या कल मिलना मुमकिन है? जी ठीक है, आ जाएं आप, कल शाम आ जाएं। जी जरूर, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। होमवर्क हो गया तुम लोगों का? नहीं अभी कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों का होमवर्क हो जाए तो तुम दोनों ने मेरा एक काम करना है। क्या? अपने बाबा को
बॉबी वाली सारी बात बतानी है तुमने। हम कैसे बताएं? अरे बताना ना उन्हें कि बॉबी ने तुम दोनों को धमकी दी थी, ये घर उसका है और वो हम लोगों को इस घर से निकलवा देगा। अब्बू डांटेंगे। मैं तुम दोनों को चिप्स मंगा के खिलाऊंगी। मैं बता दूंगी, मैं भी बता दूंगी। शाबाश। और ये भी बताना कि जब बॉबी ये बात कह रहा था तो पप्पो वहीं खड़ी सुन रही थी और उन्होंने बॉबी को प्यार भी किया। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पप्पो तो थी ही नहीं वहाँ। उफ़, कितने अकलमंद हो तुम दोनों। बस जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही कहना है। हम ऐसा क्यों बताएं? बस कह दिया ना मैंने, तुमने बस ऐसे ही बोलना है। और हाँ, बॉबी और जोया से रोब में आने की जरूरत नहीं है। वो रोब तो नहीं डालते। अब डालेंगे ना, जो अपने घरों से निकाले हुए हो वो दूसरों के हंसते बसते घर को देख के जलते हैं। अच्छा एक काम करो, होमवर्क बाद में कर लेना, अभी जाके अम्मू को बताओ ये वाली बात। जाओ। आजो बेटा आजो। आ क्या बात है? कहो ना तुम। तुम कहो ना तुम। तुम बोलो ना बेटा, क्या बात है? बाबा, बॉबी कह रहा था कि घर उसका है और वो हमें यहाँ से निकाल देगा। और वो ये भी कह रहा था कि हम उसके हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए। पप्पो ने उसे प्यार किया और कहा, हाँ हाँ भला मैं तुम्हारा हिस्सा हमारे मामू को कैसे दे दूँ? बाबा, क्या ये सच में पप्पो का घर है? बॉबी भी सज्जाद पप्पा की तरह हमें इस घर से निकाल देगा? अरे नहीं नहीं बेटा, बॉबी तो बच्चा है, ऐसे ही फालतू बातें करता है। आप लोग उसकी बातें बिल्कुल मत सुना करें। पर पप्पो तो बच्ची नहीं है ना, वो भी कहती हैं उन्हें अपना हक लेना आता है और वो अपना हक लेकर रहेंगी। बिल्कुल ठीक कहा सजाद ने, ये भी बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे कि मेरा दिल चाहता है ऐसे दो। तुम भरी महफिल में दूसरे आदमी का जिक्र करो इतनी बेशर्मी से, और मैं बेगैरतों की तरह कल सुबह का इंतजार करो? आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं सज्जाद, और वैसे भी ने भी तो यही बात की थी, तो क्या सिर्फ मैं बेगैरत हूं? औरत की गैरत। हाँ कह लीजिए, औरत की ना कोई गैरत होती है, ना इज्जत और ना कोई राय। बीवी से ज्यादा करीबी तो कुलीग्स नहीं हो सकते। जो शख्स अपनी बीवी पे हाथ उठाए वो अपने कुलीग्स पे भी हाथ उठा सकता है। जब तक केस चल रहा है आप एक काम करें, आप ऑफिस मत आए। खूब, तो आबिद भाई ने उसके कपड़ों से पहुंचा दिए। बहुत हमदर्द है उसके, सब के सब। सजाद ये पहन लो। ये
मैं भी फोन करती हूँ पुलिस को। आती हूँ आपको थाने। औरत थाने की धमकी देती है। देखो अब तुम ही उसकी मुशीर हो, गलत बातें करने के बजाय उसे समझाओ। क्या समझाओ? एक औरत ने बिना वजह से पर्चा कटवा दिया और जाकर उससे माफी मांग ली। बिना वजह पर्चा नहीं कटवाया है, सज्जाद ने उस पर हमला किया। पर जबान बीवी पर शौहरात उठाई लेते हैं। ठीक है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको मौका भी मिल गया, तो हमें तो कुछ बचाव की तदबीर करनी चाहिए कि नहीं? तो बचाई क्या है? उसकी नौकरी इस पर्चे की वजह से खत्म हुई है, और वैसे भी ये मुअत्तली है। पर्चा खारिज हो जाएगा, जिलनामा हो जाएगा, वो बहाल हो जाएगा। ये बात तो जहन में आई ही नहीं। नौकरी जाने से तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। यही कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, तुम भी एक कोशिश करके देख लो। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? हम तबस्सुम से कहेंगे कि हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं, आइंदा ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं होगा, फिर अच्छा खारिज हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी। एक वक्त में एक काम से निपटेंगे ना, गाड़ी से आगे घोड़ा मत जोतो। पहले पर्चा खारिज हो जाए, फिर उसे यहाँ आना है नहीं आना है उसका फैसला बाद में कर लेंगे। मम्मी कह दिया। क्या? वो जो आपने फात ने समझाया था। फिर तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? बाबा चुप हो गए थे। शाबाश, जरा इन्हें भी तो पता चले घर में लोगों की नियत क्या है। बेचारे सोच रहे कि बहन सवाल उठा रही है, ये बहन के काम नहीं है, ये तो बहनोई की चाल है। पप्पा जानता? इतने भी जान नहीं है तुम्हारे पप्पा, एक नंबर के खबीस आदमी है, कमाऊ बीवी को घर से निकाल दिया कमबख्त ने। लेकिन आप तो कह रही थी पप्पू गलत है। कोई गलत हो या सही हो, मुझे तो सिर्फ अपना घर बचाना है, बाहर में जाए सारी दुनिया। अम्मी चिप्स? हाँ ये लो, मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन हाँ चिप्स जो है ना इन लोगों के सामने मत खाना, ठीक है? बाप ने तो निकाल दिए, भूखे न दी दे, मेरे बच्चों के निवाले गिनते हैं कमबख्त। उन्होंने आपको सलाम भी नहीं किया ना? हाँ कमरे में छुपके बैठे हुए, और फरी बीवी को देखो परों में छुपा के बैठी। और तुम लोग तो जाओ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यार एक ब्लंडर हो गया। वो क्या? एक नज्म लिख रहा था, वो फरिया को भेज दी। अच्छा तो फिर? क्या मतलब फिर? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? साथ एक सेमिनार के अटेंड कर लिया, उसके साथ रेलिवेंट बातें करनी शुरू कर दी। तुम उससे माजरत कर लो। किया यार, उसका जवाब भी आया है, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। देखो जो होता है वो खुदा करता है, हमारे इख्तियार में सिर्फ नीयत है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। वैसे नज़म कौन सी थी? सब मोहब्बत का एक तहर। सब मोहब्बत का एक तहर। देखो मैं बिल्कुल ठीक था, खुदा जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। देखो खुद ब खुद नज़म वहाँ पहुँच गई जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार ऐसी बात नहीं है, गलती से चली गई। ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, बात यह कि तुम गलती को याद रखना चाह रहे हो या नहीं, और गौर करो कि अगर तुम याद रखना चाह रहे हो तो क्यों रखना चाह रहे हो। सज्जाद का बच्चों को यहाँ भेजने का असल मकसद क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बॉबी, बॉबी को क्या हुआ?
अगर वो मेरी बच्चों के सामने नजर भी आया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अरे अरे अरे, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया। अब क्या सोच रही हैं बाजी? कुछ नहीं। बच्चों चलो बाहर जाके खेलो, सवालिया साहब अभी बाहर है। चलो चलो, शाबाश भाभी, आप भी जाओ। गुड बॉय। अब बताएं क्या हुआ? सज्जाद का बच्चों को यहाँ भेजने का असल मकसद क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं बच्चों को अपने साथ रखूं और उनका खर्चा भी उठाऊं। तो इसके लिए मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ेगी फरी। फिर? फरी, मेरे बॉस इस सारे मामले में मेरे बहुत ही खिलाफ हैं। उनसे कोई बेद नहीं, वो मुझे जॉब से ही निकाल दें। हाँ, अच्छा तो आप उनसे बात करके देखें। जाती हूँ कल ऑफिस, देखती हूँ। हाँ, हो सकता है आपके बात करने से कोई सूरत निकल आए। और आबिद भाई भी आए थे। आबिद भाई? हाँ, वो चाहते हैं मेरे और सज्जाद के दरमियान सुलह हो जाए। हरगिज ना करेगा सुलह। अगर आबिद भाई और मरियम आपा चाहते ना तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। पता नहीं, लेकिन जो कदम मैंने उठाया है ना फरी, वापस लेने के लिए नहीं उठाया। और रास्ते में जो मुश्किलात हैं वो भी मुझे नजर आ रही हैं। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आमीन। ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए? अब हमसे चिप्स भी मांगेंगे? हम नहीं देंगे अपने चिप्स। बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमें चिप्स खाने भी नहीं है, बोर हो गए थे इसलिए बाहर आ गए। पता है परी पप्पू ने तुम्हें भेजा होगा कि हम बाहर बैठ के चिप्स खा रहे हैं। जी नहीं, परी खाले ने कहा कि तुम दोनों बाहर हो, मिल के खेल लो। हमें सब पता है, हम नहीं देंगे अपने चिप्स। तुमने चिप्स मांग दी कौन रहे? चले जाओ यहाँ से। तुम जाओ। हम क्यों जाएं यहाँ से? ये हमारे बाबा का घर है। तुम्हें तो तुम्हारे बाबा ने घर से निकाल दिया ना। बच्चियां रो रही हैं। तपो के लड़के ने उल्टा सीधा बोल दिया। क्या? वही जो तुम बता रही थी। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तपो भी शामिल थे। मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप मुझे ही गलत समझते, वरना वो बहुत कुछ कहती फिर रही है। फरी भी उसी का साथ दे रही है और दोनों बच्चे सलाम तक करने नहीं आए। कहा सलाम तक करने नहीं आए? नाश्ता खाना सब फरी उनके कमरे में लेके जा रही। मैंने पूछा तो कहती बच्चे सहमे हुए। सहमे हुए बच्चों की जबान इतनी लंबी होती है। अब उनको कौन समझाए? मैं भी मजबूर हूँ, बहने हैं मेरी, कुछ कह नहीं सकता, वरना आबिद भाई से फौरन कह देता। अम्मी, बाबा, अम्मी, अम्मी, बाबा। क्या है? क्या हुआ? अम्मी, क्या हुआ? बाबा, बाबा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्यों क्यों चला रही हो? बॉबी को क्या हुआ? बॉबी ने मारा। बॉबी ने मारा? भाई अल्लाह, देखा, ये तो अपने बाप की तरह औरतों पे हाथ उठाने का शौकीन निकला। आज ही आया है और मेरी बच्चियों को धुन के रख दिया है। जरा सा भी डर नहीं है। अब मैं इसकी माँ की तरह थाने और पुलिस में तो नहीं जा सकती ना। मेरी बच्चियाँ। भाभी, बॉबी तो कभी किसी को नहीं मारता। हाँ हाँ, अब जब मेरी बच्चियों की बारी आई तो अपने खून की सफाइयां देने लगी हो तुम। भूल गई हो कि ये उसी शख्स की औलाद है
जिसने तुम्हें मार के खूनम खून करके घर से निकाल दिया था। लेकिन भाभी, हाँ करो अपने बच्चे की तरफदारी। चलो लड़कियों, हम ही झूठे, हम ही लपाड़ी। चलो यहाँ से, हमें यहाँ कौन गले लगाने के लिए बैठा हुआ है? हम तो यही पिटेंगे, घर जो इनका है। चलो बेटा अपने कमरों में रहो। मेरी बात तो सुने भाभी। बोलो बॉबी, बोलो ये क्या हरकत है, बोलो। भाईजान क्यों मार रहे इसको? मैं मार रहा, मैं, तुमने सुना नहीं ये मार के आया उनको? मैंने किसी को नहीं मारा। बॉबी तुमने उनकी पोनी खींची थी। तो पोनी खींची थी ना, मारा थोड़ी था। सुन लिया, जिन बच्चों को तुम सुबह से अपने कमरे में छुपाए बैठी हो, उनकी सोच क्या, उनका जहन क्या? भाईजान कोई सोच कोई जहन नहीं है, बच्चे है, बच्चे खेलते हैं तो लड़ाई हो जाती है। आप पूछे तो इससे क्या हुआ है? बॉबी बेटा क्या हुआ था? भैया खाला ने बोला कि बाहर जाके खेलो, हम लोग बाहर गए तो वो दोनों पहले से वहाँ पे थी। वो बोलने लगी कि तुम यहाँ से जाओ, और ये भी बोलने लगी कि तुम ये कहते हो कि ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा नहीं है। इस बात पे मम्मा मैंने उनकी पोनी खींची। सुन लिया, अब अगर मजीद कोई सवाल पूछा तो ये भी मालूम हो जाएगा ये सब क्यों कहा गया। क्योंकि इससे पहले इस घर में मलकियत और हिस्से की बात हो रही थी। तब अब अगर मजीद ये बच्चे इस घर में रहे तो तुम्हारे लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। सजाद चाय पी लो। अरे आपने भी तकलीफ की। तकलीफ कैसी मेरे भैया? आबिद भाई को वैसी बड़ी नागवारी है। नहीं, बात नागवारी की नहीं है, वो बस चाहते हैं कि ये मामला किसी तरह से हल हो जाए। और क्या हल है इस मामले? तुम पहले चाय पियो, ताजा दम हो जाओ, इंसान की जून में आ जाओ, फिर सोचते हैं कुछ। पापा मैं मुअत्तल हो गया, बीजान की दवाई, घर का राशन, ये पानी बिजली गैस का बिल किस तरह पूरा होगा? तो तुमने बैंक में कुछ जमा जत्था तो रखा होगा ना? नहीं, जो था गाड़ी की लीज पे खर्च हो गया। या खुदा, तो तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी नहीं है? देखो सजाद, दिल तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन बात जब जीने मरने पर आ जाए तो मसलियत इसी में है कि इंसान पीछे हट जाए। यह तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा भाई एक चुड़ैल के चुंगल में फंस चुका है, लेकिन मैं भी ये चाहती हूं ना कि तुम किसी तरह इस आफत से बाहर निकल आओ। आबिद ठीक कहते हैं, इस वक्त सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ ये पर्चा खारिज करवाने के बारे में सोचो। और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना होगा तुम्हें, तुम बस इतना कह दो कि तुम मसालियत के लिए राजी हो, बाकी हम देख लेंगे। बोलो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो कौन कह रहा है तुमसे माफी मांगने के लिए? तुम कुछ मत करना, कुछ मत कहना, बस खामोश रहना, मंजूर है? मंजूर है। पर्चा वापस हो जाएगा तो शायद जॉब भी बहाल हो जाएगी। शायद क्यों, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो चाय पी लो।
अपनी जान। सज्जाद के लिए दुआ करें। मर जाए, मर, मर। सज्जाद के लिए दुआ। भाई मरियम, जब यहां से फारे हो जाओ तो फिर बस घर चलते हैं। मुझे आपको एक बात बताना थी। क्या? सज्जाद मान गया है। क्या? हाँ, मेरे एक ही दफा कहने पर मान गया। कमाल है भाई, हमारा तो कह के मुंह सूख गया। यही तो मैं हैरान हूं कि वो फौरन मान कैसे गया। पता है, थक गया होगा। बेरोजगारी का खौफ जो है ना, बड़े बड़े तुर्रम खानों को सीधा कर देता है। परेशान तो बहुत था। हुकूमत ने भी ना ये बिल पास करके मर्दों के सारे कस बल निकाल दिए। कहां कस बल निकाले? आपका वकील ही तो कह रहा था कि ये बिल सिर्फ असेंबली की हद तक पास हुआ है। सज्जाद बेचारे को तो वो पुराने कानून के तहत पकड़ा था। कुछ भी हो, आवाज उठाने की हिम्मत तो मिली ना। ये आप उस औरत की तरफदारी क्यों करते हैं? इसे मैं बहुत हैरान हूं कि तुम एक औरत हो के औरत की तरफ से बात नहीं कर रही। जब चलना हो बता दीजिएगा, मैं बीजन को खाना खिला दूं। मैं मजबूर हूं, एक ही भाई हूं, दो होते तो दूसरे के पास छोड़ा था, अब क्या करूं? मगर कह दिया उसने, बहुत कुछ कहा है कि बच्चे जा रहे तो मुश्किल होगी। कैसी मुश्किल होगी? मुश्किल तो आपको होगी। मेरी फूल जैसी बच्चियों पे हाथ उठाया उसने। वो सज्जाद अच्छा रहा, मारा भी, कमाई भी खाई और बच्चे यहां छोड़ गया। मैं आबिद भाई को सुबह फोन करता हूं, कम से कम बच्चे तो लेकर जाए। और जब तक लेके नहीं जाते तो बोले तबस्सुम को जंजीरें डाल के रखे उन्हें। कहा तो है कि मैंने बहुत कुछ कहा है उसे। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई। जाए अभी जाकर बोले उन्हें, अगर वो मेरी बच्चों के सामने नजर भी आया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अरे अरे अरे, आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अभी जाके बोले उसे, जाए जाए। बाबा जाए ना प्लीज। तुम्हारी भाभी ने कहा है अब अगर बच्चे इस घर में रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में रहेंगे।
उन्होंने तुम्हें मारा नहीं था, वो सिर्फ बात कर रही थी, मारा तुमने था। तू चिढ़ाया क्यों? हेलो बॉबी। जी पापा, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया। मामा मैं झूठ क्यों बोलूंगा, जब वो मुझे चढ़ा रही थी, तंग कर रही थी, मैंने पोनी खींच दी, जिसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? गलत किया तुमने बॉबी, गर्ल्स को कभी टच नहीं करते, ना मारते हैं ना सताते हैं। और सेल्फ डिफेंस मामा? कैसा सेल्फ डिफेंस, वो बहनें हैं तुम्हारी, तू कोई अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हें मारा नहीं था, वो सिर्फ बात कर रही थी, मारा तुमने था। तू चिढ़ाया क्यों? तो तुम भी चिढ़ा लेते, मारा क्यों? वो चिढ़ा सकती है तो चिढ़ाए, मैं मारूंगा। मारोगे? मामा की बात नहीं मानोगे? ठीक है, फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। देखा तुमने फरी? बाजी बच्चे गुंबद की आवाज होते हैं, बॉबी वही कह रहा है जो उसने अपने बाप को बोलते हुए सुना है। हाँ फरी खाला, बॉबी हमेशा पापा की साइड लेता है, उसे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। जरा बात सुनना। जी भाईजान, आ रही हूं। जी भाईजान। वो तब मैं ये कहना चाह रहा था कि जानती हूं भाईजान, पहले दुनिया वालों की बातें, फिर आप घर में ये बेसकूनी, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? नहीं तब वो बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारी भाभी ने कहा है। समझ सकती हूँ, मैं उनकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही महसूस करती। तुम्हारी भाभी ने कहा है अब अगर बच्चे इस घर में रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में रहेंगे, वरना 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 मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। सुना तुमने भाईजान ने क्या कहा? जी सुना मैंने। वो हमारी टांगे तोड़ेंगे, मैं उनकी टांगे। चुप करो बेशरम, बड़े हैं वो, तुम्हारे मामू हैं। वो आपके सामने कह रहे कि वो हमें मारेंगे, आप उनको कुछ भी नहीं कह रही। बॉबी बहस मत करो, अब यहाँ से बाहर नहीं निकलना, तुम्हें बाहर जाना होगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी शाम में पार्क। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ठीक है मत रहो, मैं पापा को बुला के चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हारे पापा तुम्हें रख सकते तो यहाँ छोड़ते ही क्यों? मेरे की वजह से आए थे हम लोग। मामा मैं तो वहाँ रह रही थी मगर मुझे आपके बहुत याद आती थी। ये सब कुछ कह तो दिया पर मेरे दिल पे बहुत बोझ है। गजब खुदा का, उसकी वजह से मुझ छुपाए बैठे, बाहर अखबार वाले कैमरा डाले बैठे, दफ्तर वालों के सामने अलग शर्मिंदा। अब भी अगर आपके दिल पे बोझ है ना तो सबके जाऊं आपके दिल पर। अनिला वो बेचारी बुरे हालात में है, जिंदगी भर उसने कभी तंग नहीं किया। बस रहने दे, मुंह ना खुलवाए मेरा,
अम्मा के नियाज की फरमाइश कभी कुछ कभी कुछ, हर इतवार की दावतें, सब कुछ गुजरा है मुझ पर। वो तो हक था उसका इस घर पे। अच्छा वो हक था, और वो जो अब बनाई बैठी है अपने बेटे से कहलवा रही है वो भी हक है, तो दे डाले ना, दे क्यों नहीं देते उसका हक। देखो बात जहां तक पहुंच गई है वहीं रहने दो, उसके बच्चे अब कमरे में रहेंगे बाहर नहीं आएंगे, और तुम भी अपना दिल छोटा मत करो, बच्चों को समझाओ कि बॉबी से जरा दूर रहे। समझा दिया है मैंने, बॉबी ने देखा होगा अपने बाप को मारते हुए, ना जाने कितनी बार पहले भी मारा होगा, जो अब जाके तबस्सुम ने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं आबिद भाई की मदद लेने की कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से सुलह हो जाए और तब वो अपने घर वापस चली जाए। वो ही तो, अब देखिए ना वहां उसकी नजर होगी सज्जाद की जेब पर, और यहाँ यहाँ ना ना करके भी किसकी तरफ देखेगी, आप समझ रहे हैं ना। तुमने मुझे चुका लिया तबस्सुम, ठीक है मैं झुक गया, मगर इस खेल में जीतोगी तुम भी नहीं। जनाब आपको पता है क्या टाइम हो रहा है? नहीं क्या टाइम हो? 10:30 बज रहे हैं, आप सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए हैं, मैंने साथ सैंडविच रख दिया था वो आप खा लें। वाकई मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। मुझे है ना ध्यान, वैसे सजाद ऐसे बगैर नाश्ता किए आप ऑफिस मत जाया करें। अच्छा नानी माँ। वैसे आपको अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं, मैं ना अगर पूछूं आपको तो कोई ध्यान ही नहीं रहता। वैसे क्या तो ठीक रही हो, तुम ख्याल ना रखो तो मुझे वाकई ध्यान नहीं रहता। हेलो बॉबी। जी पापा मैं बॉबी बोल रहा हूँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मामा ने फोन करवाया? नहीं पापा मम्मा तो सो रही है, मैंने आपको चुपके फोन किया है। अच्छा पापा आप हमें यहाँ से ले जाएं। क्यों क्या हुआ बेटा? मामू सब तंग हुए हुए, हम भी पापा तंग हुए हुए, प्लीज हमें यहाँ से ले जाए ना। बेटा एक दिन में सब तंग आ गए? जी पापा ये हमारा घर नहीं है, हमें कमरे में नहीं बंद रह सकते, आप हमें लेने आ जाए ना। अच्छा बेटा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम बस तैयार है। अभी? अभी नहीं मेरी जान, मैं सुबह आऊंगा, ठीक है? ठीक है पापा, पापा आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान, मैं सुबह आऊंगा। अल्लाह हाफिज़। मैं वो दुनिया।